हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले वाली थ्योरम है। इफ़ ए फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, अगर कोई फंक्शन जो है एनालिटिक है यानी विश्लेषिक फलन है किसी क्लोज कर्व की बाउंड्री के ऊपर और उसके अंदर, एंड ए इज एनी पॉइंट इन सी और उस क्लोज कंटूर के अंदर कोई बिंदु ए हो, देन द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर आर एनालिटिक। तो ऑल ऑर्डर के जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं, एंड गिवन बाय द फार्मूला, और उनके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है nth डेरिवेटिव। एफ एन ए का मतलब है nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 2π i कर्व इंटीग्रेशन। ये कर्व इंटीग्रेशन है बेटा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन, अर्थात आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात, ध्यान से सुनना। वी नो दैट हमारे पास एक कल फार्मूला था, मैं उसका यूज़ करूँगा प्रूफ देने जा रहा हूँ। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला था कल, एफ डैश ए इज इक्वल टू था 1/2π i कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर कितना था, 2। ओके, बट ध्यान से सुनना, बट एफ डैश जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ए को मैं लिख सकता हूँ एफ वन ए, समझो आप। ओके, एफ वन ए ये डैश का निशान था, इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वन से भी लिख सकता हूँ। सो दैट मेरे पास यहाँ से निकल कर के आया एफ वन ए इज इक्वल टू हुआ 1/2π i कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर 2। ओके, ध्यान से सुनना, ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए। ओके, एन इज इक्वल टू वन के लिए फार्मूला वैलिड है। नाउ अब मैं इसको अप्लाई करूँगा फॉर एन इज इक्वल टू एम के लिए। नाउ वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट, वी विल अप्लाई फॉर एन इज इक्वल टू एम के लिए। अगर मैं एन इज इक्वल टू एम के लिए इसका यूज़ करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ओके, एन इज इक्वल टू एम के लिए, जब यहाँ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है तो वन को मैं फैक्टोरियल वन भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो। जब एन टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा एफ एन ए इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2π i कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर, एक बार डिफरेंशिएशन है पावर एक बढ़ी हुई है, जेड माइनस ए की पावर यहाँ कितना हो जाएगा भाई, एन प्लस के वन। क्लियर है ना। अब मैं इससे अगले वाले स्टेप की तरफ चलूँगा, जब मैं एन बराबर एम पुट करूँगा तो ये रिज़ल्ट मेरे पास सीधे का सीधा निकल कर के आएगा एफ एम ए यानी mth डेरिवेटिव m टाइम डेरिवेटिव a इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई 2π i कर्व इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर कितना, m+k1। क्लियर, जो कंसेप्ट मैंने कल अप्लाई किया था लास्ट लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन के लिए, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करूँगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन वन है। ओके, बहुत सिंपल से तरीके से थ्योरम का प्रूफ निकालूंगा, राइटर बहुत उल्टा सीधा तरीका लगाता है लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीका लगाऊंगा। नाउ अगर मान लिया, सपोज दैट जो कल कंसेप्ट लगा रहा था मैं, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो ये आपके लिए बहुत आसान थ्योरम है। सपोज दैट ए प्लस एच इज
वही केस कल वाला NBD पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए, अगर ए का NBD पॉइंट क्या हो, ए प्लस एच हो, देन मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास फार्मूला हो जाएगा, देन मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग ए इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन ए। कौन सी इक्वेशन के अंदर? इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के अंदर मैंने ए बराबर ए प्लस एच पुट करा, ये निकल कर के आया मेरे पास एफ mth डेरिवेटिव, ए की जगह ए प्लस एच जहाँ भी है आपने पुट कर दिया, बराबर ये हुआ फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटा, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ एफ ऑफ जेड, ये हुआ डी जेड, ये हुआ जेड माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा भाई ए माइनस एच, ए की जगह ए प्लस एच यानी माइनस आ जाएगा, की पावर कितनी होगी एम प्लस वन इंटू डी जेड, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके नाउ आई एम कैलकुलेटिंग, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एम ए प्लस एच के अंदर से मैंने घटाया एफ एम ए। ओके ध्यान से सुनना मैंने क्या किया, यानी मैंने किया सेकेंड इक्वेशन के अंदर से माइनस किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ओके ठीक है ना, इसके अंदर से मैंने इसको घटा दिया, घटाने के जस्ट बाद मेरे पास जो यहाँ, चलो यहीं लिख दूंगा मैं, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये वाला स्टेप कॉमन आ जाएगा ना, ये तो आया मेरा कॉमन फैक्टोरियल एम अपॉन टू पाई आयोटा वाला स्टेप कॉमन, कर्व इंटीग्रेशन वाला स्टेप भी कॉमन आया, एफ जेड हुआ इंटू डी जेड, ये सारा कॉमन, यहाँ मेरे पास जो निकल करके अंदर जो बचा, यहाँ से मेरे पास बचा वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच की पावर एम प्लस के वन, और ऊपर से स्टेप बचा मेरे पास वन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम प्लस के वन, यही बचा ना, दोबारा लिख रहा हूँ भाई, देखो आप इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास, अगले वाले पेज पे लिखूँगा मैं, वरना यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं दोनों को जैसे ही घटाया, घटाने के बाद इधर निकला एफ एम ए प्लस के एच माइनस एफ एम ए इज इक्वल टू, ये हुआ फैक्टोरियल एम कॉमन डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटा कॉमन, कर्व इंटीग्रेशन कॉमन, ये हुआ एफ जेड इंटू डी जेड, यहाँ मेरे पास क्या बचा, ये बचा वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच की पावर एम प्लस के वन बचा, माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम प्लस के वन बचा। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लास्ट लाइन मैंने ये जो कि तो लिख दी यहाँ पे, अब मैं यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। ओके सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं ज़रा इसको रिसेट करता हूँ और इसमें से जो है थोड़ा सा देखता हूँ कैसे है क्या है। ये हुआ इधर तो चल ही रहा है एफ एम ए प्लस के एच माइनस एफ एम ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एम अपॉन टू पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड तो है ही, एफ जेड इंटू डी जेड, यहाँ मैंने इसको लिखा वन अपॉन, ध्यान से सुनना, जेड माइनस ए अलग लिखा, माइनस के एच अलग लिखा, और उस टोटल की पावर कितनी है एम प्लस के वन, माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम प्लस के वन, मैं कॉमन निकालूंगा इसके अंदर से, और द्विपद पर में जैसे मैंने कल लगाया था सेम कंसेप्ट यूज़ करूँगा। ओके मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच एंड टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, बता दूंगा मैं इसका रीज़न दे दूंगा, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, मेरे पास फार्मूला ये होता है बेटा जो मैंने यूज़ किया है, ध्यान से सुनना, एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स होल अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो,
बराबर होता है एफ डैश एक्स। आप जानते हो 11th 10th क्लास का फार्मूला है, मेरे को ये फार्मूला यहाँ लगाना है इसलिए मैंने ये सब किया है, इसलिए एस से डिवाइड किया है और एच टेंस टू ज़ीरो किया है। मतलब ये है कि इससे अगले वाला डेरिवेटिव निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन है ना, ये एम एथ टाइम डिफरेंशिएशन है, उससे अगले वाला डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, यानी एम प्लस वन वाला केस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैंने डिवाइड किया और लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद और डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास निकल कर के आया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हुआ एफ एम ए प्लस के एच माइनस के एफ एम ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वन अपॉन एच, तो यहाँ भी आना है भाई फैक्टोरियल एम अपॉन टू पाई आयोटा, ये हुआ यहाँ पे एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई, ये जो h है ये मेरा h यहाँ आ चुका, यहाँ से मैंने कॉमन लिया बेटा, a माइनस क्या है भाई, a माइनस z माइनस a की पावर m प्लस वन कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने कॉमन लिया z माइनस a की पावर m प्लस के वन। देखो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखना है, यहाँ मेरे पास बचेगा वन अपॉन, ये तो मेरा ख़त्म हो चुका, वन माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की टोटल पावर कितनी एम प्लस के वन और माइनस का वन, ये तो पूरे का पूरा स्टेप कॉमन निकाल लिया ना मैंने। अब जब इस पावर को ऊपर ले जाने के बाद मैं माइनस में करूँगा, इधर देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, क्लियर कट बता रहा हूँ, यहीं के यहीं स्टेप लिख रहा हूँ, जब यहाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच है तो इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना, यहाँ मेरे पास एफ एम ए प्लस एच माइनस एफ एम होल अपॉन एच, यानी ये जो पावर है उसमें एक बार अलग से डिफरेंशिएशन, ये कितना हो जाएगा भाई, ये सीधे का सीधा हो जाएगा यहाँ पे, जब ये कंडीशन में यहाँ अप्लाई करूँगा ये हो जाएगा एफ, एक बार और ऐड हो जाएगा ना, इसके अंदर एक बार और डिफरेंशिएशन ऐड हुआ। देखो आप भाई यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर ज़ीरो है ना, ध्यान से देखो भाई, फंक्शन की पावर क्या है, एफ किसी भी फंक्शन की पावर अगर ज़ीरो हो तो रिजल्ट वन होता है ना, ओके, यहाँ देखो इसकी पावर ज़ीरो ज़ीरो तब वन टाइम है, यहाँ पावर कितनी है एम एम, तो जाहिर सी बात है एक और बढ़ जाएगा ना, एफ एम प्लस वन आ जाएगा, और ये कितना होगा, ये होगा ए, इधर तो आ ये इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास निकल करके आ बेटा, डिस्टर्ब ना करिए, यहाँ मेरे पास निकल करके आ फैक्टोरियल एम अपॉन टू पाई आर उठा, तो ये हुआ टू पाई आर उठा, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, मेरे पास ये हुआ अपॉन एच, ये हुआ जेड माइनस ए की पावर एम प्लस वन हुआ, ये ज़रा इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये पावर ऊपर जाने के बाद, इस पावर को ऊपर जाने के बाद मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, वन माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर कितना हुआ, माइनस एम प्लस वन होगा ना, माइनस एम प्लस के वन हो जाएगा ना, ये टोटल की टोटल पावर ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ क्या होगा माइनस के वन, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं आगे की तरफ स्विच करता हूँ, हमारे पास जो निकल करके आया बेटा, यहाँ से जो निकल करके आया वो ये निकला, एक बार और लिख दूँ मैं इसको, फिर अगले वाला स्टेप चलूँगा, एफ एम प्लस वन ए इज इक्वल टू, बेटे तू ना बोलिए, ये हुआ फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एच इंटू जेड माइनस ए की पावर m प्लस के वन इंटू, यहाँ निकल करके आया मेरे पास वन माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एम प्लस वन, और ये हुआ माइनस का वन, क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर ये आ चुका, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ज़रा ध्यान से देखना, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, आई एम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, फार्मूला ये होता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है भाई, वन माइनस एक्स की पावर माइनस के वन बराबर होता है, बेटा छेड़िए ना इसे, बैठा रहो सुकून से, क्या होता है फार्मूला, ये होता है वन प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ना छेड़िए ना इसे बिल्कुल भी, प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, ओके, ये द्विपद पर में होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है, आप इस चीज़ को जानते हो।
मैंने इसका यहाँ यूज़ किया, ये निकल कर के आया बेटा एफ एम प्लस वन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एच इंटू जेड माइनस ए की पावर एम प्लस वन। यहाँ निकल करके आज अब बाइनोमियल थ्योरम का मैं यूज़ करूँगा, कितना निकलेगा भाई? पहले वाला भाई देखोगा वन प्लस के एच इंटू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ओके ये मैंने पावर वन के ऊपर केस ले लिया बेटा। यहाँ अगर पावर एन हो तो ये होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल टू। ओके मैंने वन का फार्मूला बताया, फार्मूला होता है वन प्लस एन एक्स, अगले वाला स्टेप होता है प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आप जानते हो इस चीज़ को, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की मैंने, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये होगा एच एम प्लस के वन अपॉन जेड माइनस के कितना ए, क्लियर। उससे अगले वाला स्टेप कितना निकलेगा, इंटू एच तो आ ही गया, अगले वाला होगा एच स्क्वायर, बोले तो एच स्क्वायर जेड माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एम प्लस वन। अगला स्टेप होगा एम प्लस के कितना टू अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, क्लियर है ना। और लास्ट में ये माइनस का वन और ये ब्रैकेट बंद। भाई माइनस वन से तो प्लस वन कैंसिल, यहाँ से मैंने एच ऊपर से कॉमन ले लिया, ये हुआ मेरे पास एफ एम वन ए इज इक्वल टू, ये तो हुआ फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाई ये हुआ टू पाई आर उठा, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एच इंटू जेड माइनस ए की पावर हुआ एम प्लस के वन। ज़रा यहाँ से एच कॉमन लो, आप यहाँ से एच कॉमन ले लो, कितना बचा एम प्लस वन बटे जेड माइनस के ए बचेगा, बचा ना एम प्लस वन बटे जेड माइनस ए प्लस यहाँ से कितना बचेगा एच कॉमन लेने के बाद एच अपॉन जेड माइनस ए का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ होगा एम प्लस के वन और एम प्लस के टू अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन, यही होगा ना स्टेप। इस एच से एच कैंसिल और मेरे पास जो चल रहा था पूरे केस के अंदर जो है वो चल रहा था लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ओके जैसे ही मैं लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो के केस का यूज़ करूँगा, इधर तो निकल कर के आएगा एफ एम प्लस वन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एम बटे टू पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, ये होगा एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम प्लस के वन इंटू, यहाँ कितना निकला ये निकला एम प्लस के वन बटे जेड माइनस ए प्लस एच टेंडिंग टू ज़ीरो पर ज़ीरो, अगले वाला स्टेप भी ज़ीरो एंड सो सारे स्टेप ख़त्म। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, ये कितना निकल कर गया भाई यहाँ से, ये हुआ एफ एम प्लस वन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एम, तो ये हुआ और यहाँ से कितना निकला एम प्लस के वन निकला, ज़रा समझने की कोशिश करना, कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ, ये हुआ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर कितनी होएगी भाई जेड माइनस ए की पावर कितनी हुई एम प्लस के टू हो चुकी ना, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ से और इसके डिवाइडेशन में कितना है डिवाइडेड बाई टू पाई आरोटा, ज़रा इसको देखो आप एम प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एम, इसको क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखना, फैक्टोरियल एन को लिख सकता हूँ मैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और एन प्लस वन के फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं एन प्लस का वन इंटू फैक्टोरियल एन, यही तो फार्मूला होता है ना। बेटा पीछे को जा, डिस्टर्ब कर दिया तूने, ख़राब कर दिया, इसे छेड़ ना दिए बिल्कुल भी, छेड़ दिया ना बिल्कुल ना छेड़ दिए, सारी वीडियो कैसे ऐसी कर दी तूने यार पिचट। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, जरा जब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा तो ज़रा इसको देखो आप, ये हो जाएगा कितना एफ
एम प्लस वन ए इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, फैक्टोरियल एम प्लस वन हो जाएगा, फैक्टोरियल एम प्लस वन अपॉन टू पाई आर उठा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन, और यहाँ से आएगा एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम प्लस के वन, सॉरी एम प्लस के टू। यही तो प्रूफ करना था, यही तो देखना था भाई। ओके, अब ध्यान से सुनो, आपका मेन क्वेश्चन क्या था। अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। जब यहाँ n है, फैक्टोरियल n यहाँ आ रहा है और यहाँ पावर एक बढ़ी हुई है। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ m प्लस वन है तो जाहिर सी बात है m प्लस वन यहाँ आ रहा है, यहाँ पावर एक बढ़ चुकी, यहाँ m प्लस के टू है। सो दैट कंक्लूजन क्या निकला भाई, सो दैट जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला बेटा, भाई एक मिनट के लिए रहने दे साहब, अभी एक मिनट के बाद स्टार्ट कर लिया यार। एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के वन। देखो ना, जितना यहाँ है ना उतना ही फैक्टोरियल है, उससे एक पावर बढ़ी हुई है। जब ये लूँगा मैं n लूँगा तो फैक्टोरियल n होगा टू पाई आल्टा होगा z की पावर n प्लस वन, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके, सबसे बेस्ट मेथड है प्रूफ का, आगे आपकी मर्जी है। ओके, बाय।